अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय गोल्डन किचन। आज हम शकरकंदी उबालना सिखा रहे हैं आपको। शकरकंदी तो कई तरीक़ों से उबाली जाती है, तो हमने इसके लिए हाफ के जी हमने शकरकंदी ली है स्वीट पोटैटो। तो शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस ऑन कर लिया हमने, कुकर हम ऊपर रखते हैं और इसमें हम एक गिलास पानी हमने डाल देना और इस तरह की छाननी वगैरह या कोई भी आपके पास बर्तन वगैरह हो वैसे, तो स्टैंड वाला तो आपने रख देना, नहीं तो आपने कोई छन्नी वगैरह रख के तो उसके ऊपर आपने प्लेट रख देनी है। ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही हो, कोई हो प्लेट वगैरह हो या उस पर, तो आपने ऐसे ये जो शकरकंदी है ये सारी इस पर ऐसे लगा देनी है। ये देखें, आप कुकर के बगैर भी बना सकते हैं। देचकी में थोड़ा सा पानी, एक कप पानी डाल के शकरकंदी उसके अंदर डाल के तो ऊपर ढक्कन ढाँप दें अच्छी तरह, तो उस तरह भी पक सकती है। लेकिन इस तरह ये है कि भाप से पानी नीचे से उबलता है और भाप में ये शकरकंदी जो है ये बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है। ये कुकर का हम ढक्कन जो है वो बंद कर देते हैं और ऊपर सीटी रख देते हैं, और फिर जब सीटी चलेगी तो फिर हम आपको टाइम बताएंगे और बाद में आपसे मिलते हैं। ये सीटी चल रही है तो अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और सीटी उठा देते हैं। इसकी भाप निकल गई है, अब हम कुकर खोलते हैं और चेक करते हैं। ये देखें, किसी स्टिक की मदद से या चाकू या चम्मच की मदद से आपने चेक कर लेना, ये बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। इसे तकरीबन 8 मिनट लगे हैं और ये भाप में अच्छे से रेडी हो गया। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए, हमने डिश आउट कर लिया है, अब हम आपको काट के दिखाते हैं। ये देखें, ये बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। तो प्लीज़ आप इसे ट्राई करें, कमेंट दीजिए। शुक्रिया।